नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप सभी के लिए जो है साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन है और ये तो सभी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना लेट किए और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और आज भी 25 क्वेश्चन है, देखते हैं कि कैसे है क्वेश्चन। और आप सभी भी अपना जो भी क्वेरी हो, जो भी चीज़ें हो, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं क्या है। ज्वालामुखी विस्फलन उल्कापिंड से उत्पन्न तरंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए उससे उत्पन्न तरंगे कौन सी हैं। बताइए सही जवाब क्या होगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी अपश्रव्य तरंगे, क्या होंगे? अपश्रव्य तरंगे, उससे उत्पन्न होने वाली तरंगे कौन सी हैं? अपश्रव्य तरंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरी मापी तांबे का क्यों बनाया जाता है? बताइए क्वेश्चन का आंसर। कैलोरी मापी तांबे का क्यों बनाया जाता है? बताइए क्या सही जवाब होगा, क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है? ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है इसलिए कैलोरी मापी जो है तांबे का बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? ऑप्शन डी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, क्या है सही जवाब? ऑप्शन डी, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग है, बताइए कौन सा है प्राथमिक रंग? प्राथमिक रंग है ऑप्शन सी लाल हरा नीला जो है प्राथमिक रंग है। ठीक है, क्या है सही जवाब? ऑप्शन सी लाल हरा नीला जो है प्राथमिक रंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान में, बताइए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तनशील रहता है, या 45° पर घटता है? बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, बताइए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था यह। चलिए अगला देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान है, बताइए। दोस्तों देखिए इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UP SSC के एग्जाम में जो है आप सभी का साइंस से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछने हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को भी इग्नोर मत करिए, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में, ये कोई UP SSC की बात नहीं है, सभी एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए 1 किलोवाट घंटा का मान है, बताइए कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन डी, क्या है सही जवाब? ऑप्शन डी 3.6×10^6 जूल, कितना होगा? 3×6×10^6 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी रेक्टिफायर द्वारा, किसके द्वारा? रेक्टिफायर द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा होता है, बताइए ट्यूबलाइट में कौन सा गैस भरा होता है? बताइए सही जवाब क्या है, चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9,
ऑप्शन सी आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। क्या होता है? आर्गन के साथ में मर्क्यूरी वेपर जो है यह गैस भरी जाती है किसमें? ट्यूबलाइट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी ला चुके हैं, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो कि आप सभी जो है आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछना है तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए, जिससे आप लोगों के लिए आसान रहेगा। फिर भी बताइए, चलिए इसका धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन सी Na2CO3 10H2O। क्या है सही जवाब? Na2CO3 10H2O। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, बताइए। अब आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे अलग अलग तरीके से। इन सभी का देखिए यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं और आपका यहाँ से 4 क्वेश्चन बन जा रहा है, तो आपके लिए मैं इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए बताइए, पहला नीला कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो बताइए नीला कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। ठीक है, आप सभी जो है ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। फिलोसोफर वूल का रासायनिक सूत्र है, बताइए क्या होगा? ZNO। क्या होगा? ZNO। सफेद कशिश, सफेद कशिश का बताइए क्या होगा? ZNSO4 7H2O। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं इसका होगा AgCl। क्या है? हॉर्न सिल्वर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन डी 3124। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप सभी के लिए देखिए यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, चलिए बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ध्यानपूर्वक देखिए सारे ऑप्शन को, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 12। ऑप्शन सी सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है सही जवाब? सोडियम बाई कार्बोनेट। चलिए अगला देखते हैं। ये बहुत अच्छा, फिटकरी का सामान्य सूत्र है, बताइए फिटकरी का सामान्य सूत्र है कौन सा है? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए। इसका तो सभी को मालूम होगा, ठीक है, इसका अच्छा इसको बोलते और क्या बोलते हैं? पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटास एलम। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पोटास एलम का बताइए। चलिए बताइए फिटकरी का रासायनिक सामान्य सूत्र बताइए क्या है? ऑप्शन बी K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर की हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में उपस्थित होता है? क्वेश्चन है मानव शरीर में की हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में अवस्थित होता है? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट में। किसमें? कैल्शियम फास्फेट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रसायनों का राजा कहलाता है, रसायनों का राजा कहलाता है, कौन कहलाता है रसायनों का राजा, बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है रसायनों का राजा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना लेट किए। चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में उपस्थित द्रव्य है, ध्यानपूर्वक देखिए, चींटी और मधुमक्खी के डंक में उपस्थित द्रव्य है कौन से है? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब। ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड। क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच के निर्माण में प्रयुक्त यौगिक है, चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए सही जवाब क्या होगा। कांच के निर्माण में कौन से यौगिक प्रयुक्त होते हैं?
यह भी है, यह भी है, यह भी है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। उपर्युक्त सभी जो है कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले यौगिक हैं। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? बताइए कौन सा है वो भाग। क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन बी मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क। चलिए अगला देखते हैं। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कलाइयों की हड्डियों को जो है किस नाम से जाना जाता है? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, मेटाकार्पल्स या कार्पल्स? ऑप्शन सी मेटाकार्पल्स। किस नाम से जाना जाता है? मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स के नाम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप सभी जो है यूपी स्टेट के गवर्नमेंट एग्जाम के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसी वक्त जो है अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को जो है बहुत ही कम फीस में कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। ठीक है, तो अभी भी आप अगर डाउनलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो जाइए और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं और दिखाते हैं कि फी का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, कोर्स कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप सभी जो भी कोर्स चल रहे हैं, इसके अलावा आपको सारी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मिल जाएगी। और ये देख सकते हैं आपके कोर्स कौन कौन सी हैं। और सीधे हम बात करते हैं फी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं क्या है कि करंट प्राइस जो है 1 ईयर का आप लेते हैं तो क्या है 7000 रुपीज है। लेकिन अगर आप सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फी हो जाएगी 6300 रुपीज। ठीक है, तो 6300 रुपए में आप सभी को जो है किसी भी कोर्स को आप लेते हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए अनअकैडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और अभी इसी वक्त से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, देरी मत करिए। चलिए ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी अनअकैडमी से रिलेटेड। और वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? क्या क्वेश्चन? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21। चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इंसुलिन। क्या होगा सही जवाब? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के कारण जो है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए एपिथेलियमी ऊतक। क्या है? एपिथेलियमी ऊतक जो है घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन बी माइटोकांड्रिया। क्या है? माइटोकांड्रिया। चलिए अगला देखते हैं। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी क्या है? यूट्रिकुलेरिया जो है यह जो है अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? क्या है क्वेश्चन? वृक्ष के आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए क्या होगा सही जवाब। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। कैसे किया जाता है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। चलिए ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, जिसमें आप सभी के तीनों सब्जेक्ट को हमने कवर किया। ठीक है, आगे की क्लास में फिर से हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, और हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर कंटेंट्स लाएं और जो भी हमें कमी है उसमें भी सुधार करें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट सारी जो है क्वेश्चन आपके टॉप 25। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।